Bismillahirrahmanirrahim. Assalam Alaikum girls. Uh, we are going to discuss another region of electromagnetic spectrum today, and that is nuclear magnetic resonance. And a spectroscopy is based on this region uh, that is called NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy. Actually, which information is I have obtained from this NMR? इट प्रोवाइड्स अ कम्प्लीट इनसाइट इन टू द इन्वायरमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मोलिक्यूल, इट मीन्स कि आपको ये पता चलता है कि जो गिवन मॉलीक्यूल है उस मॉलीक्यूल में उसका इन्वायरमेंट क्या है उसके इर्द गिर्द और कौन से एटम्स हैं उसके इर्द गिर्द और कौन से जो हैं वो अरेंजमेंट्स लगी हुई हैं तो ये कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और एन एम आर को जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक माना जाता है एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए अच्छा इसमें अब रेडिएशन कौन सी यूज़ होती हैं रेडिएशन लॉन्गर वेव की यूज़ होती हैं लाइक रेडियो वेव्स क्योंकि वेव मैंने आपको कहा था कि लेफ़्ट टू तो राइट इंक्रीज़ हो रही है और रेडियो वेव्स जो है वो लास्ट में पड़ी हुई हैं इट मीन्स इनकी लॉन्गेस्ट वेव होती है अ असम्पल अंडर इन्वेस्टिगेशन यानी जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपने पता करना होता है कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है उसे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और फिर उसके ऊपर आप रेडियो वेव्स डालते हैं अब ये डिपेंड करता है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की यूज़ की है रेडिएशन ऑफ़ वेव लेंथ दे विल बी एब्ज़ॉर्ब द फोटोन ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी विल ब्रिंग द न्यूक् अच्छा वो जब रेडिएशन एबजॉर्ब होंगी लाइक like जैसे हमने कहा था कि यू वी विजिबल में जब रेडिएशन आती है एबजॉर्ब होती हैं तो एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स तो की तो अगर यहाँ पे जब एबज़ॉर्ब होती हैं तो फिर क्या होता है आ, इसमें न्यूक्लियर मैग्नेट्स जो होते हैं इनटू द स्पेसिफ़िक ओरिएंटेशन यानी मैग्नेटिक जो उनकी मूवमेंट होती है वो आती है न्यूक्लियर मैग्नेट्स की स्पिन ऑफ न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन्स हैं तो वो प्रोटॉन भी जो है वो भी स्पिन करते हैं जब स्पेसिफिक उन्हें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है और न्यू न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी भी स्पिनिंग होती है इसलिए एक न्यूक्लियस के अंदर दोनों टाइप की स्पिन जो हैं वो आपको नज़र आती हैं ठीक है और वो कहते हैं कि स्पिन ऑफ द न्यूक्लियन चेंजेस फ्रॉम अल्फा टू बीटा अल्फा लोअर एनर्जी की होती है तो जब वो एबजॉर्बशन कर लेते हैं तो वो हाई एनर्जी में चली जाती है ड्यू टू द डिफरेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स डिफरेंट मैगनेटिक न्यूक्लाई प्रोटोन भी हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन का है कार्बन थर्टीन है फ्लोरिन का नाइनटीन है फॉसफोरस का थर्टी वन है ये जो है वो फ़ील करेंगे मैगनेटिक फील्ड और आपको स्ट्रक्चर एलुसीडेशन में है मिलती है आपके लेवल तक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एन में नहीं जाना इसलिए सिंपली आप ये देख लेंगे ये आपको स्ट्रक्चर बताती है और उसमें आप जो हैं वो रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे होते हैं लॉन्गेस्ट जो है अच्छा अभी यहाँ पे आप एक, एक टेबल नज़र आ रहा है आपको ये आप देखो कि मैंने इसके लिए क्या किया है ये एक समरी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की यानी कौन कौन सी रेडिएशन इन टेक्निक्स में यूज़ होंगी और फिर उनका इफ़ेक्ट क्या होता है सब्सटेंस पे और फिर आपको उनसे इन्फॉर्मेशन कौन सी मिलती है आप रेडिएशन डालते हैं रेडियशन डालने के बाद मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है और फिर उससे आपको इंफॉर्मेशन कौन सी मिलती है लाइक फर्स्ट वन यू विजिबल है यू की रेंज उसने ब्रैकेट में दे दी है कि हंड्रेड से फोर हंड्रेड नाइनोमीटर है और विजिबल फोर हंड्रेड से एट हंड्रेड यानी यू विजिबल का रीजन हंड्रेड टू एट हंड्रेड नाइनोमीटर तक की वेव होती है जब आप ये रेडिएशन्स डालते हैं और उसका इंट्रेक्शन आपके मैटर के साथ जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में चेंजेज़ आती हैं विद इन अ मॉलिक्यूल और ये यूजुअली कॉन्जुगेटेड अन के लिए होता है या कॉन्जुगेशन विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है तो ये इससे आपको कॉन्जुगेशन बेसिकली अगर कोई फ़ॉरन आपसे पता करता है कि विजिबल में आपको तो आपको कॉन्जुगेशन का पता चलता है आई आर का फिर अगर आप पर सेंटीमीटर में रीजन देखें या माइक्रॉन्स में देखें तो टू पॉइंट फाइव से फिफ्टीन तक आई आर का जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आई आर जो है वो नियर आई आर बी है मिड भी है और फार आई आर बी है अच्छा ये जब आप मॉलिक्यूल को देंगे तो फिर मॉलिक्यूल में अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंजेस इस तरह से नहीं आएंगी उनकी वाइब्रेशंस और रोटेशंस मॉलिक्यूल की चेंज होगी या वो वाइब्रेट करेगा रोटेट करेगा और उससे फिर आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका कंपाउंड है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंटली बिहेव करता है और डिफरेंट रीजन में आ फॉल करता है जिसकी वजह से उस वैल्यू से जब वो ग्राफ बनता है तो आपको पता चल जाता है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज़ हैं जैसे लाइक like कार्बोनिल है हाइड्रोक्साइड की अमाइन की कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वगैरह की तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता चलते हैं फिर एनएमआर जो भी हम डिस्कस कर रहे थे रेडियो फ्रिक्वेंसी है ये मेगा हर्ट्स की आप इतनी सिक्स सिक्सटी टू थ्री हंड्रेड की यूज़ की जाती है और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इट इंड्यूस चेंजेस यानी जब आप डालते हैं तो क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और नोटेबली दैट ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि प्रोटोन एन एम आर ज़्यादा किया जाता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह में कार्बन थर्टीन का एन एम आर भी परफॉर्म किया जाता है तो प्रोटोन एन एम आर आपको बताता है कि आपके मॉलीक्यूल में इर्द गिर्द वो जो प्रोटोन हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं और उन्हीं की उस इंफॉर्मेशन से आप मॉलीक्यूल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से डिटर्मन कर सकते हैं आपके लेवल पे इतना इनफ है थैंक यू